top 5 A.R. Rahman and Sonu Nigam songs. A.R. Rahman, according to me, gave Sonu Nigam some of his best songs. Let's get straight into it. At number 5, Sathiya title track. Sathiya, Sathiya, madham madham teri geeli hansi. हालांकि ये रियूज गाना था, ओरिजिनल हरिहरन ने तमिल में गा दिया था, बट सोनू निगम ने उसे अपना बना लिया. ही टुक इट टू अनदर लेवल. गुलजार साहब की पोइट्री को जिस तरह सोनू निगम डिलीवर करते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई शायद कर सकता था इतनी खूबसूरती से. ये गाना उनको अपनी गायकी दिखाने का भी मौका देता है. रहमान का सॉन्ग स्ट्रक्चर को लेकर अरेंजमेंट, गुलजार साहब के ब्यूटीफुल लिरिक्स और सोनू के वेरी डायनामिक्स वाली सिंगिंग ने इस गाने को नेक्स्ट लेवल पहुंचा. एट नंबर 4, इन लम्हों के दामन में फ्रॉम जोधा अकबर. इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं. अगर रफी साहब होते तो उन्हें ये गाना गाना चाहिए था, बट जब गाना बना वो नहीं थे तो डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस वॉज सोनू निगम. इस गाने में उर्दू शायरी है, बीच में शायरी की अदायगी भी करनी पड़ती है, एक शेर बोलना पड़ता है, प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए, डायनामिक्स बहुत होना चाहिए, रेंज बहुत होना चाहिए, और ये सब सोनू निगम ने एब्सोल्यूट ईज के साथ निभाया. देर इज एब्सोल्यूट रोमांस इन दिस सॉन्ग. गाने में बहुत से इंटेंस पोर्शंस हैं और कोरस का बहुत अच्छा यूज़ है क्वायर का, जिसको रहमान ने इंटेंसिटी और ड्रामा बढ़ाने के लिए यूज़ किया है. एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक सॉन्ग. नंबर 3 पे जो आना है वो है मेरा रंग दे बसंती चोला फ्रॉम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे. इस फिल्म में सोनू निगम अजय देवगन की आवाज थे, इसलिए और दो सिंगर्स के होने के बावजूद उनको मैक्सिमम लाइंस मिलते हैं और उनको अपनी गायकी दर्शाने का मौका मिलता है. अगेन सोनू गेट्स अ चांस टू डू हिज क्लासिकल नुआंसेस हियर. कुछ लंबे आलाप हैं, गाना उसी तरह कंपोज्ड और डिजाइंड भी है. अरेंजमेंट का रोल है डेफिनेटली उस गाने को ड्रामेटिक और इंटेंस बनाने के लिए, बट उससे कई ज़्यादा सिचुएशन का है जहाँ भगत सिंह और उसके दो साथी फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं. This is again one of those songs where ARR designs the song for a particular singer like Sonu Nigam and brings out the best in him. At number 2 we have Kismat Se Tum Humko Mile Ho from Pukar. Kismat se tum humko mile ho, kaise chhodenge ye haath hum na chhodenge. According to me, this is one of the best semi-classical songs in Bollywood in the last 25 years. According to me, Sonu Nigam and A.R. Rahman exceeded themselves and their expectations in this song. I don't know ये गाना किस राग पे आधारित है, if somebody knows let me know, but उस राग से रहमान उस गाने की एक इंटेंसिटी लाते हैं. अरेंजमेंट में तो absolutely ही इज़ अ मास्टर जिस तरह से उन्होंने इसको किया है. चॉइस ऑफ सिंगर्स इसमें अमेजिंग है. सोनू निगम ही इस तरह की गायकी उस टाइम पे भी कर सकते थे एंड अनुराधा पोडवाल रियली कॉम्प्लीमेंट्स हिम, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ अंतरे से वापस मुखड़े पे आता है और बहुत हाई 2-3 नोट लगते हैं. आई थिंक आई शुडंट कंपेयर, बट आई थिंक वहाँ सोनू निगम इज स्लाइटली बेटर देन अनुराधा पोडवाल. Before we get to number 1, here are a few honorable mentions. इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता. खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी. At number 1 for me there's no contest, it is Satrangi Re from Dil Se. Tu hi to Satrangi Re, Tu hi to man rangi re. It's very difficult to say ki is gaane mein best part kya hai, lyrics, कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट या सिंगिंग, क्योंकि लिरिक्स वैसे ही कॉन्सेप्चुअली बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 7 स्टेजेस ऑफ लव के बारे में बात करता है एंड गुलजार साहब प्रेजेंट्स इट इन हिज ओन इनइमिटेबल वे. कॉम्पोजिशन में अगेन रहमान टिपिकल स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं, अरेंजमेंट में उससे भी ज़्यादा देर आर अरबिक इन्फ्लुएंसेस. कहीं कहीं पे कुछ अकम्पनीमेंट नहीं है, सिर्फ पैड्स और थोड़े बेस के साथ सोनू की आवाज़ जारी है. द सॉन्ग गोज ऑल ओवर द प्लेस और आपको हमेशा हुक्ड रखता है.
बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सोनू शाइन्स इन दिस सॉन्ग, अमेजिंगली डन वोकल्स. इसमें भी उनका रेंज बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, एक्सप्रेशंस उनके टेस्ट होते हैं, एंड ये उनके लिए भी शायद उस वक्त अनचार्टेड टेरिटरी थी क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने ऐसा गाना गाया नहीं था. एंड स्टिल आज तक भी उनके पूरे करियर में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल सॉन्ग्स. एंड ये गायकी दिखाने के लिए, लाइव परफॉर्मेंस के लिए, या किसी नए सिंगर को गाना सीखने के लिए भी इट्स अ प्राइम सॉन्ग. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. लाइक नहीं मारा है तो लाइक मार दो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नया वीडियो आप तक इमीडिएटली पहुंच जाएगा. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.